अच्छा इतना एक्साइटेड नहीं हां क्या बात है चार्ज करते हैं क्या नया देखने मिलेगा इस बार चैप्टर 3 में और कितना प्रेशर है ऐसे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बहुत ही अच्छा नाम है इस बार ना हां इस बार सुपर डांसर चैप्टर 3 में ना जानवरों को नचाएंगे हम ऐसा लग रहा है अलग क्या देखने को मिलेगा मतलब क्या आई डोंट नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग बच्चे ही नचेंगे अच्छा मुझे एक बात बताइए हम आज डिस्कस कर रहे थे वो वाली बात बता दी हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाँ। तो आप गए थे उस दिन चेंबूर में आपने गुलाब जामुन खाए आप जामुन में क्यों जाती हैं बार बार क्योंकि वो अच्छा है कंसिस्टेंट है क्योंकि वो कंसिस्टेंट है और टेस्टी है अलग थोड़ी ना मिलता है हर बार बिल्कुल क्या बात बोली आपने क्या बात बोली बनते बनते अलग बनेगा अभी कैसे पता है क्या करना है अभी तो नहीं पता कि क्या करना है लेकिन इंटेंशन होना चाहिए अलग करने का हो जाएगा बिल्कुल मस्ती करेंगे अच्छा आपको अलग क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए बताइए हम परोसेंगे 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 हम बताइए अलग क्या चाहिए आप अपना ऑर्डर दे दीजिए बताइए क्या रहेगा अपना क्या रहेगा ग्रेवी वाला जो अब ये गुस्सा हो गई बहुत ही टैलेंटेड हां जी पहले और दूसरे सीजन से बहुत ज्यादा टैलेंटेड बिल्कुल किस तरीके से उन लोगों को कमेंट्स देने वाले हैं आप क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं हर साल क्योंकि हम इसी चीज पे जिक्र भी करते हैं को मिलेगी क्योंकि वो तो हम सब ने देखा ही है जो आप उसके बारे में अभी थोड़ी वो बोलेंगे लेकिन आप शुरू करेंगे ऑडियंस को ब्रीफ तो दे ही दे नयापन ये है कि मैं इस बार टिप्स दूंगा सबको कि कैसे प्यार ना करें क्योंकि दो सीजन में असफल ही रहा हूं ना मैं और किसी खूबसूरत लड़की का भरोसा ना करें ठीक है अच्छा। कुछ बहुत नयापन है और पता है जो प्लान नहीं होता है वो ज्यादा बेहतर होता है मैं वही बोलने वाली थी हम में से कोई प्लान नहीं करता है हमारे जजेस पढ़ के नहीं बोलते हैं ना हम और ऋत्विक कुछ ऐसे घर में याद कर रहे हैं पन्ना लेके फिर झूठ हम तो चेक भी अपना नहीं पढ़ते हैं वो अलग बात है वो कि 1200 कौन पढ़े पढ़ने लायक होते ही नहीं भाई 300 रुपए का क्या चेक पढ़ना मैं बताऊं सबसे खूबसूरत चीज होती है ना वो सहज होती है सहजता सुपर डांसर में सहजता है नेचुरल है रियल है एक तो लग रहा कुएं में बात कर रहा हूँ मैं सुनो बाबू सुनो ना फर्स्ट फ्लोर पे आओगे तो ये है और यही खूबसूरती है इसका नेचुरल होना ही इसकी खूबसूरती और वैसा ही रहेगा शिल्पा जी ने इस सीजन में डिसाइड कर लिया है कि वो क्लिश्ट हिंदी में बात करेंगी वार्तालाप करेंगी मैं वार्तालाप करने का प्रयत्न करूंगी और ये है सुपर डांसर क्लिष्ट बोले अध्याय 3 ये बहुत क्लिष्ट है अध्याय 3 अध्याय 3 अच्छा सुनिए आपका वो आरती आपकी कितने ये मामा जी का असर लेने वाली है क्योंकि इतनी स्पष्ट हिंदी बोलते हैं वो आपको पता है असर हुआ है शिल्पा जी को 26 साल हो गए काम करते हुए अबे 25 सॉरी अपना ये टेलीकास्ट अपना जनवरी में है ना उसी जनवरी में ये बात लाना इनको 25 साल मैम को हो गए ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया है ऐसी कौन किस तरह की एक्टिंग है जो उन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है नहीं देखिए बहुत ये ऑफ कैमरा भी कैरेक्टर में रहता है यार बहुत करना बाकी है प्यार है नयापन जो है ना नयापन पता है कहाँ है नयापन दादा की तरफ है आधा भारत का खाना खा चुके हैं नए नए राज्य बचे हुए हैं वहाँ बचे हुए हैं साउथ से आते नहीं कंटेस्टेंट साउथ से नहीं आते तो इस बार बोल दीजिए कि असर पूरा कर चैप्टर 4 में साउथ से भी बच्चे आएंगे आप बोल दीजिए साउथ से कुछ आता नहीं है मेरे पति ठहरे ब्रिटिश तो हमारे घर में हम क्रिसमस दिवाली से ज्यादा मनाते हैं तो वहीं पे पले बड़े हैं वो तो वो कल्चर एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को भी मिला अबाउट द कल्चर अबाउट द होल फेस्टिवल तो बहुत ही मज़े के साथ हम उसे सेलिब्रेट करते हैं लंदन में सो क्रिसमस इज ऑलवेज इन लंदन दादा टिकली प्लीज छोड़ दो भगवान के लिए छोड़ दो दादा मेरा झोला ले दीजिए उनको छोड़ दीजिए प्लीज कुछ नहीं करना तो इस बार वापस एक्चुअली राज और वियान ऑलरेडी निकल चुके हैं मैं कल रात को जा रही हूँ कब आएंगी आप हाँ तो कांट वेट इस साल ना क्रिसमस के लिए शिल्पा जी ने डिसाइड किया है कि हम सबकी टिकट बुक करके हमें लंदन लेके जाएंगे तो हमें उस बात की ज्यादा खुशी है थैंक यू सो मच डार्लिंग यू आर सच अ गुड शी इज अ सीक्रेट सांता इस साल लंदन में मनाएंगे क्रिसमस जिसके पास पासपोर्ट नहीं है मना मत करना ओके थैंक यू सो मच शिल्पा जी लास्ट टाइम जब हमें राज कुंद्रा मिले थे वियान जो है अब वो लास्ट टाइम जन्माष्टमी के टाइम पे मिले थे वियान ने फर्स्ट टाइम मटकी फोड़ी थी इस बार क्या नया वियान के साथ देखने को मिलेगा हमें आप किस तरीके मेरे पति ठहरे ब्रिटिश तो हमारे घर में हम क्रिसमस दिवाली से ज़्यादा मनाते हैं तो वहीं पे पले बड़े हैं वो तो वो कल्चर एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को भी मिला अबाउट द कल्चर अबाउट द होल फेस्टिवल तो बहुत ही
मज़े के साथ हम उसे सेलिब्रेट करते हैं लंदन में. सो क्रिसमस इज ऑलवेज इन लंदन. दादा टिकली प्लीज छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो. दादा मेरा झोला लीजिए, उनको छोड़ दीजिए प्लीज. तो इस बार वापस एक्चुअली राज और वियान ऑलरेडी निकल चुके हैं. मैं कल रात को जा रही हूँ. कब आएंगी आप? हाँ तो कांट वेट. इस साल ना क्रिसमस के लिए शिल्पा जी ने डिसाइड किया है कि हम सबकी टिकट बुक करके हमें लंदन लेके जाएंगे. तो हमें उस बात की ज्यादा खुशी है. थैंक यू सो मच डार्लिंग. शी इज आवर सीक्रेट सांता. इस साल लंदन में मनाएंगे क्रिसमस. जिसके पास पासपोर्ट नहीं है मना मत करना. ओके थैंक यू सो मच.